बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे और मजे के अंदर होंगे। एक और वीडियो के साथ हाजिर हो गए और वीडियो एयरबीएनबी के रिलेटेड है, एयरबीएनबी पे कॉम्प्स करने के रिलेटेड, कंपैरिजन करने के रिलेटेड है। जैसे कि हमारे अक्सर इसके रियल एस्टेट के फील्ड के अंदर होता है, तो कंपैरिजन हम एमएलएस पे भी करते होते थे, जो करंट कॉम्प्स होते थे या एआरबी निकालने के लिए होते थे, वो परचेज करने के लिए होते थे। लेकिन ये कॉम्प्स कौन से हैं? ये रेंटल कॉम्प्स हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर वीडियोस हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर भी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रेंटल के ऊपर फर्निश्ड कॉम्प्स जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि एयरबीएनबी के ऊपर ज़्यादातर लोग अपनी जो स्पेस है, अपने घर की जो स्पेस होती है, एक्स्ट्रा रूम्स होते हैं, उनको शेयर करते हैं और उनको किराए पर देते हैं, कह लें तो उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है। और अगर सीखना है ना, तो सीखने के लिए वीडियो पूरी देखना, अगर सीखना नहीं है तो भाई फिर कोई टेंशन नहीं, पूरी नहीं देखना। और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो यार, अगर पूरा नहीं हो तो लाइक कमेंट करके जाओ, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो, ताकि आने वाली स्किल्स की वीडियोज भी आपको मिलती रहे। और दूसरा चैनल, मेरे सब्सक्राइबर्स जो ऑलरेडी हैं या जो नए आने वाले हैं, भाई सबको मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करो, ब्लॉगिंग वाला, जो के नाम है उसका महाराजीन सियाल ब्लॉग्स के नाम से, हैंडल उसका @SialBlogs47। मेंशन भी आई थिंक मैं कर दूंगा इसके अंदर, फीचर भी कर दूंगा अपने इस चैनल में, लेकिन वो लाजमी जाएगा अपना सब्सक्राइब करना, विदाउट स्पेस सर्च करोगे यूट्यूब सर्च पे @SialBlogs47, तो उसको जाके सब्सक्राइब भी कर लो। और ये एयरबीएनबी के ऊपर प्रॉपर उसका लॉन्ग टर्म रेंटल कॉस्ट या फर्निश कॉम्स, उनको किस तरह से करना, उसका तरीकेकार क्या है, शीट तकरीबन आपको किस तरह से रखनी चाहिए, मेरी शीट जो बनी हुई होगी वो मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। आपका अगर क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देता है तो अपने हिसाब से देगा, अगर वो नहीं देता तो आप इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है? तो शीट किस तरह से है, वो उस पर कैसे काम करना है, हमने सर्च कैसे करना है, फिल्टर कैसे लगाना है, उसको निकालना कैसे है, सारी चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह ये वीडियो होगी। और वीडियो पूरी देखना, समझना अच्छे तरीके से, ताकि आपका कोई फायदा हो जाए, ठीक है? तो चलें जरा स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये एयरबीएनबी के ऊपर कॉम्प्स किस तरह से होते हैं। हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और अभी हमने क्या करना है, एयरबीएनबी की फर्निश्ड जो हैं 2 bedrooms और 1 bathroom वाले कॉम्प्स, ठीक है? तो मंथली हैं, ये भी मंथली कॉम्प्स हैं इनका। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताया था, मैंने जैसे बना के रखा हुआ होता है, ये मेरे पास पड़े होते हैं यार, सैम्पल पड़ा होता है कि शीट किस तरह से बनानी है। सो ये वो शीट है जो मैंने उधर से निकलवा ली है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, टाइटल्स वगैरह शीट नीचे बनी पड़ी है, ये पूरी पूरी शीट है। अब तरीक़ेकार क्या है इसका, तरीक़ेकार सिंपल है कि हमने जो है airbnb.com ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है? airbnb.com ओपन कर ली, इसके बाद क्या तरीक़ेकार होगा, एनीवेयर पर क्लिक करके यहाँ आपने डेस्टिनेशन डालनी है। डेस्टिनेशन कौन सी है हमारे पास, यहाँ मेरे पास वो एड्रेस अवेलेबल है, 1546 वेलेंटीना है मेरा ख्याल है, वेलेंटीना स्ट्रीट, तो ये डेनवर के अंदर है। यहाँ अगर मैं जाके आपको दिखाऊँ, 1546 वेलेंटीना स्ट्रीट डेनवर CO8C आगे से, ठीक है? तो डेनवर स्ट्रीट के अंदर, वेलेंटीना स्ट्रीट डेनवर कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्सिबल मंथ, ठीक है, मंथली हम निकाल रहे हैं, फ्लेक्सिबल करके, ठीक है, मंथ पर जाके सर्च के जो है हम दबा देते हैं। सर्च को दबाने के बाद हमारे पास ये सर्च हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या काम है, हमने लगाना है फिल्टर्स, एनी टाइप रहने दें, टाइप ऑफ प्लेस, ये एनी टाइप आप रहने दें, कोई इशू नहीं है, ये प्राइस जो ये दे रही है, या इसको हम ज़ीरो भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो मिनिमम 150 दे रहा होता है। 2 bedroom, ठीक है, बेड्स नहीं इसमें हम लगा रहे हैं, बस बेडरूम्स जो हमें वो 2 चाहिए, बाथरूम्स जो हैं वो 1 चाहिए, ठीक है? इसके बाद हाउस टाइप पर कर दें, अपार्टमेंट गेस्ट हाउस होटल ना करें, हाउस पर कर दें, ठीक है? हाउस करने के बाद इसको नीचे आके देख लें, और हमें कोई फ़िल्टर जो है वो नहीं चाहिए, ये हमने फ़िल्टर सेट कर दिए, हाउस प्रॉपर्टी टाइप जो है, और बेडरूम्स 2 और बाथरूम्स 1 शो 1000 प्लेसेस तकरीबन इसकी जो है वो दे रहा है। ये 1000 के बाद इसको ओपन करके निकालने का तरीक़ाकार जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने उसको सारा का सारा आगे निकालना है, निकालना किस तरह से इसका डाटा, बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है। हमने पहले सर्च कर लिया, फ्लेक्सिबल मंथ एड्रेस लगा के फ़िल्टर्स लगा लिए हमने, जब हमने फ़िल्टर्स लगाने थे तो हमें तकरीबन ओवर 1000 प्लेसेस जो है वो डेनवर के अंदर शो करवा रहा है। तो राइट क्लिक करें माउस से, ओपन न्यू टैब, ठीक है, नया टैब के अंदर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये उसका जो टाइटल उन्होंने दिया हुआ है, नीचे आ गया 4 guests मैक्सिमम, यानी कि 4 guests जो है ये अलाउ कर रहे हैं, 2 bedrooms, ठीक है, जो हमने फ़िल्टर लगा के हमें चाहिए 2 bedrooms वाला, और 2 bathroom इसमें आ रहा है, 3 beds हैं।
अब ये एयरबीएनबी पे थोड़ा सा है कि ये जिस तरह से हमने हाउस सेलेक्ट किया तो 2-1 मुश्किल होगा, 2-2 एंड 2 बेडरूम्स 2 बाथरूम्स या 2 बेडरूम्स एंड 1.5 बाथरूम जो है वो आएगा, बाथरूम कहते हैं वैसे इंग्लिश में, ज़्यादा जो एक्सेंट जाते हैं बाथरूम और बाथरूम कहेंगे। ये देखें जैसे 2 बेडरूम्स हैं और 1.5 बाथरूम है, और यहाँ पर अगर टाउन हाउस है तो टाउन हाउस का कितना आ रहा है, हम जरा इसको सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ये ओपन किया, 2 बेडरूम 1 बाथ, वेरी गुड, एग्जैक्ट मैच। तो एग्जैक्ट मैच हो तो यार ज़्यादा बेस्ट है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना चाहिए होता है, ठीक है। मैं ये ज़्यादा सारे ओपन कर रहा हूँ, ये 3 बेडरूम 3 बाथरूम आ गए, ये तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। वापसी, नेक्स्ट मैं आपको 5-7 जो हैं वो निकाल के दिखा दूँगा ताकि जो है आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। 2 बेडरूम 1 बाथरूम, ग्रेट। इसका भी हम देख लेते हैं इसका कितना आ रहा है, शीट की सेटिंग भी आपको मैं दिखाता हूँ जाके। 3 बेडरूम 2.5 बाथरूम, नो वी डोंट नीड दैट। सो ये एक और मैंने ओपन कर लिया, नेक्स्ट वाला, इसमें कितना आ रहा है, इसको हम या गया, वेरी गुड यार, 2 बाथरूम और 1 बाथरूम, ये 1.5 वाला भी उड़ा दो, 2-1 2-1 2-1 2-1, ठीक है। डाटा आपको डालने का तरीका बता दूँ, मैं पूरा काम उसको आपको नहीं करके दिखा रहा, वो काम तो मैं खुद करूँगा। Airbnb ये आपने लिखना है, Airbnb कॉपी पेस्ट अबाउट 9 to 8 तकरीबन हमने निकाल देना है। तो ये 8 किस तरह से, पहला तो ऊपर टाइटल वाला आ गया ना, रो आ गई, तो मैंने 9 रो तक लिख गया, मतलब 8 जो हैं वो मैं डाटा जो है वो निकालूंगा। अब यहाँ पर मैंने Airbnb क्यों लिखा है, ये मैंने पहले भी शायद वीडियोज़ के अंदर बताया, कंट्रोल के अगर आप किसी भी सेल के ऊपर जा करेंगे, कंट्रोल के, ठीक है, तो यहाँ जो आप टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ आप लिंक डालेंगे तो शो टेक्स्ट होगा लेकिन उसके पीछे लिंक होगा। अब मैंने यहाँ ये लिख दिया तो अगर मैं यहाँ कंट्रोल के दबाऊँगा तो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमने लिंक डालना है, ठीक है। अब मैं ये ओपन करता हूँ जो लिस्टिंग हमें खुली हुई थी इसका, ये ऊपर जो लिंक है वन क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद Airbnb की लिंक कंट्रोल के बाद कंट्रोल वी और एंटर, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ गए लिंक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद शीट में है, यहाँ पे कंट्रोल के कंट्रोल वी यानी कि वहाँ पेस्ट किया और आगे डाल दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मेन जो इसका आप कह लें फोकस करने वाली, फोकस क्या करना है, एक मंथ की हमने प्राइस निकालनी है, मंथ की, ठीक है, अगर मंथली जा रहे हैं। अब ये उन्होंने हमें 29 तक दिया, हम स्टार्टिंग चेक इन 1 एंड चेकआउट जो है वो हम 31 करेंगे, ठीक है, 31 दिन का जैसे मंथली होता है। अब ये प्राइस आ गई 2987, ठीक है, 2 बेडरूम 1 बाथरूम, 2987 इसकी प्राइस है, 2987 प्राइस है, 2 बेडरूम है 1 बाथरूम है, डन हो गया जी। ये इसको हम ये वाली प्राइस लगा के इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिस्टिंग पे आ जाते हैं, नेक्स्ट लिस्टिंग क्या है, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके कंट्रोल के कंट्रोल वी पेस्ट या इंटर कर दें या अप्लाई कर दें, यहाँ पे लिंक डल गया, ठीक है। ये लिंक डलने के बाद यहाँ आ गया हमारी प्राइस, यहाँ पे हमने किस तरह सेट करनी है, ये ऊपर नीचे आ रहा है, सो हम चेक इन जो है 1 ही कर देंगे, चेकआउट जो हम 31 का कर देंगे और 2540 ये फिलहाल दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इनको 413 जो है डॉलर्स वो माइनस करके 2540, तो 2540 उठा लो, 2 बेडरूम 1 बाथरूम, सेम रिक्वायरमेंट जैसे हम कर रहे थे, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया 2-1, ठीक है। सिंपल काम है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल के आपने उसको ज़रा सा गौर से काम को करना है। ये 3 और ये 1-2 तक जून तक ले गया यार, हमें तो यहाँ पे ले के आ, सीधा मंथ से जो हम चेक इन चेकआउट डेट जो है वो डाल देंगे। ओ भाई सिलेक्ट हो जा, 31 नाइट्स मिनिमम, तो ये 31 नाइट्स का मतलब है हम यहाँ पे लेके जाएंगे, नाइट्स 31 और प्राइस आ गई 2449। ओ सॉरी इसको कॉपी नहीं करना, पहले लिंक मैंने कॉपी किया और नो लिंक कॉपी नहीं किया, ये लिंक कॉपी करके मैं ले गया, कंट्रोल के इंटर, ठीक है, और 2-1 बेडरूम बाथरूम 2-1 ही है हमारा, इसका भी हमने वही सिर्फ सर्च किए हुए थे, एंड 2449 जो है इसकी मंथली रेंट प्राइस जो होती है ये वो है, ठीक है। अब मैं बाकी खुद कर लूँगा काम बाद में, आपको वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता ताकि आपको समझ आ जाए, इतनी बहुत है समझाने के लिए। आपको मैंने बता दिया कि हमने क्या करना है, हमने इसका निकालना है, Airbnb को ओपन करना है, एड्रेस से सर्च करना है, फ्लेक्सिबल मंथली
एंड देन उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होगा, फिल्टर्स हमने लगाने हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जितने बेडरूम्स की, जितने बाथरूम्स की वो रिक्वायरमेंट जो है वो हमने प्रॉपर करके जो है वो लगा दी है। ठीक है, सिंपल तरीकेकार है एयरबीएनबी से मंथली जो है कॉम्प्स करने का, या इसको आप कह सकते हैं कि मंथली क्या उसको कहते हैं यार, फर्निश्ड कॉम्प्स। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।